गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल कैमदेव साधना पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लास। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ वाज एंड ओयर। ता पूर्वरु ज्योति एवं कमलेश भितर किसी कन्वर्सेसन होमें पढ़ की बुझा एवं तुम्हें हाइलाइटेड वर्ड को भल भाव लक्ष्य कर। प्रथम ज्योति कहते आई वाज इन दिल्ली यस्टरडे, मुँ गत काली दिल्ली में थी। द वेदर वाज नाइस देयर, सेठरे पाग बहुत भल थिला। कमलेश कहते यू ओयर इन दिल्ली एंड आई वाज इन चंडीगढ़ यस्टरडे। कमलेश कहते तुम्हें गत काली दिल्ली में थिला, मुँ गत काली चंडीगढ़ रे थिली। द वेदर वाज जस्ट फाइन देयर टू, सेठरे मध्य पाग बहुत भल थिला। ज्योति कहते रिमेम्बर वी आर इन सिमला ऑन द न्यू इयर्स ईव, ज्योति कहते तुम्हें मन पकाओ नुआ बर्षर पूर्व संध्यारे आम सिमलारे थिलु। कमलेश कहते ओ एस आवर पेरेंट्स वेयर अल्सो विथ अस, कमलेश कहते हाँ ठीक कथा, आमर पितामाता आम सहित थिले। दे वेयर हैप्पी एंड एक्साइटेड, से माने मध्य बहुत खुशी थिले एवं उत्सुक थिले। ज्योति कहते इट वाज रियली ए नाइस एंड मेमोरेबल आउटिंग, यह बहुत सुंदर एवं बहुत स्मरणीय दिन थिला। पिलाने द वर्ड्स वाज एंड ओयर आर पास्ट फॉर्म ऑफ बी, बी भर्बर पास्ट फॉर्म रे वाज ओयर रहिबे। तापरे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यूजिंग वाज एंड ओयर, वाज एवं ओयर को व्यवहार करके केमिति सेंटेंस फॉर्मेशन होइछि हमें पढ़िबा। पिलाने असजड़ा हिंकी शब्द गुड़ी दे आम ठीक सजाड़ी ठीक वाक्य करवा। वाज आई बीच आट द एस्टरडे, आई वाज आट द बीच एस्टरडे, ठीक लिखिले यहाँ हम मु गत काली समुद्रकूल थी। नंबर टू रे ए वाज इट लवली डे यस्टरडे, ठीक लिखिले इट वाज ए लवली डे यस्टरडे, गत काली सुंदर दिन थिला। नंबर थ्री रे ओयर आउटसाइड वी लास्ट इवनिंग द, सजाड़ी लिखिले वी ओयर आउटसाइड द लास्ट इवनिंग, गत संध्यारे आमे माने बाहरे थिलु। नंबर फोर रे वाज इट संडे यस्टरडे, इट वाज संडे यस्टरडे, गत काली रविवार थिला। हजबैंड माई आट होम वाज, ठीक लिखिले माई हजबैंड वाज आट होम, मो हजबैंड घरे थिले। पिला माने वाज वेयर कोड बसिबो व्यवहार आको एनबी करी लिखिबो रखिबो। वी यूज वाज फॉर आई ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स, जेतबे सब्जेक्ट हिसाब रे आई ही सी सिंगुलर नाउन्स थिबो सेतबेळे आमे वाज व्यवहार करिबा। वी यूज ओयर फॉर यू वी दे एंड प्लुराल नाउन्स, जेतबेळे सब्जेक्ट हिसाब रे यू वी दे एवं प्लुराल नाउन्स थिबो से क्षेत्र रे आमे ओयर व्यवहार करिबा। पिला माने बर्तमान तुम टेक्स्ट हला आकु भल भाव पढ़िबो एवं बुझिबो। थैंक यू।